अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं। कल हमने ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसके क्वेश्चन हमें करने हैं। तो एक बार मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में दोबारा से बताया था, उसका जो फॉर्मूला था। क्या है वेक्टर टेबल प्रोडक्ट में? तीन वेक्टर होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है सच दैट उसकी आउटपुट वेक्टर आए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आउटपुट वेक्टर होता है वो जो ब्रैकेट में वेक्टर्स है ना उसी के प्लेन में आता है। ठीक है, तो कैसे बताया था, ये सिंगल वेक्टर है तो ये फार्दर एंड पे जाएगा, तो ये बनेगा ए डॉट सी बी वेक्टर। जो सिंगल वेक्टर है वो दूर वाले एंड पे जाता है, तो ए डॉट उसके साथ डॉट होगा, तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस फिर पास वाले एंड पे जाएगा ए डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब सिंगल वेक्टर यहाँ पे सी है, तो सी पहले अपने फार्दर एंड पे जाएगा, तो क्या लिखेगा सी डॉट ए बी वेक्टर, फिर सी जो है वो पास वाले एंड पे जाएगा माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर आया ये कैसा आया, ये कुछ ऐसा है ना लैम्डा बी प्लस म्यू सी, तो किसके प्लेन में आएगा ये? बी और सी के प्लेन में आएगा, जो कि ब्रैकेट्स में वेक्टर है। ये वाला वेक्टर कैसा आया? ये आया हमारे पास डेल्टा बी प्लस थीटा ए, ऐसा कुछ आ गया। तो ये कौन से प्लेन में आ रहा है? लैम्डा प्लस म्यू बी जैसे तो है, तो कौन से प्लेन में आ रहा है? ए और बी के प्लेन में आ रहा है, जो कि ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये आपको कल बताया था। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे को एक बार बताओ, नंबर बताओ। लास्ट में कौन सा क्वेश्चन का नंबर चल रहा था? फोर्टी। ओके, 40 हो गए थे। ठीक है, 41 देखते हैं। 41 में है देखो, क्वेश्चन देखो। इफ ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन हैं। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर, फाइंड एंगल्स विच ए वेक्टर मेक्स विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर, फाइंड एंगल्स विच ए वेक्टर मेक्स विद बी एंड सी। अब ए बी सी नॉन कोप्लेनर है और यूनिट वेक्टर है, चलो सॉल्व करता हूँ मैं इसको, देखना आप। तो क्या करेंगे, इसका डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा ए डॉट सी बी वेक्टर, फॉर्मूला लगाएंगे ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर। अब इधर उधर करेंगे इसको तो ये बन जाएगा ए डॉट सी माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी सी वेक्टर। अब उसने बोला हुआ है ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं, एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो नॉन कोलिनियर भी होंगे, क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना तो एक प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये तो कुछ ऐसा आ गया ना बी वेक्टर इज इक्वल टू के सी वेक्टर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये के वन के टू लिख लेते हैं, क्योंकि बी और सी कोलिनियर ही नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर है तो कोलिनियर तो हो ही नहीं सकते, पैरेलल भी नहीं हो सकते। इसका मतलब के वन को भी जीरो होना पड़ेगा और के टू को भी जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा ए डॉट सी इज इक्वल टू हाफ एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए डॉट सी हाफ हो गया, इसका क्या मतलब हो गया मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल हाफ। यहाँ हो जाएगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, ए और सी उसने मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बोला हुआ है ना। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ हो गया, तो
थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री पाई बाय थ्री। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये निकालना था आपको, सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 42। प्रॉब्लम 42 ये खुद से करो एक बार। इसमें लिखा हुआ है बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार ट्राई करो, देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें डॉट और क्रॉस जैसा भी आपको जो भी बन रहा है वो बनाने की कोशिश करनी है। देखो इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में सिमेट्री है। अगर आप पहले तो ये चीज देखो, जहां पे बी आया वहां पे नेक्स्ट में क्या आया, देखो यहाँ पे अगर बी देखोगे आप, यहाँ पे बी आया, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आया सी आया, फिर यहाँ पे क्या आ गया ये आ गया। तो ए बी सी सिमेट्रिक ऑर्डर में चल रहे हैं, जहां पे डी आ रहा है वहां पे डी रह रहा है। ठीक है, फिर सी के बाद क्या आया ए, फिर उसके बाद क्या आया बी, ए के बाद क्या आया बी, फिर क्या आया सी। ठीक है, तो हम एक टर्म को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें उसके आगे वाली टर्म्स पता चल जाएंगी। ठीक है, एक टर्म को हम अगर सॉल्व करेंगे तो उसके आगे वाली टर्म्स हम अपने आप ही लिख सकते हैं। बस क्या करना है, एक की जगह बी रख देना है, बी की जगह सी रख देना है, सी की जगह ए रख देना है, क्योंकि पैटर्न वैसा है। ठीक है, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये टर्म है बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, इसमें चार वेक्टर है, दो का क्रॉस हो रहा है, दो का क्रॉस हो रहा है, फिर उन दोनों का डॉट हो रहा है। तो आपको एक चीज ये बताई थी कल कि ए डॉट बी क्रॉस सी अगर मैं लिखता हूँ तो ये होता है स्केलेटेबल प्रोडक्ट, इसमें पहले क्रॉस होता है। ठीक है, और ये टर्म जो होती है ये ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर होती है। जिसने कल शाम का लेक्चर मिस किया था उसको कम समझ आएगा, तो उसको पहले वो लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर आता है। ये हमने कल बताया था आपको कि क्रॉस और डॉट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम वही वाली बात है कि इसमें हम क्या करेंगे, ये डॉट और ये क्रॉस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको आर वेक्टर मान सकते हो ना, इसको अभी आर वेक्टर मान लो फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा स्केलेटेबल प्रोडक्ट है। तो एक तरीके से स्केलेटेबल प्रोडक्ट में क्या होता था, बी क्रॉस सी डॉट आर है ना, तो बी क्रॉस सी पहले कैरी आउट होता था फिर डॉट आर होता था, बट उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट सी क्रॉस आर ऐसा लिख सकता हूँ। ये मैं बस एक टर्म सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन जाएगी, बी डॉट सी क्रॉस आर क्या था मेरा, ए क्रॉस डी। ठीक है, तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी। ऑब्वियसली बात है बी डॉट सी क्रॉस आर में आपको सी क्रॉस आर पहले कैरी आउट करना पड़ेगा। तो अब ये टर्म मेरी बन जाएगी बी डॉट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, सी से इसका फॉर्मूला पता है हमें, तो सी डॉट डी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए डी वेक्टर, ये टर्म आ जाएगी। अब बी का इसके साथ डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट हो गया सी डॉट डी, अब बी का डॉट डी के साथ ही जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी टू सी डॉट डी माइनस ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपने जो एक टर्म थी वो सिंप्लीफाई कर ली। कैसे कर ली, देखो बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी था, तो
तो मैंने ए क्रॉस डी को आर मान लिया, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया बी क्रॉस सी डॉट आर वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस डी क्योंकि एक वेक्टर ही होगा। अब क्रॉस और डॉट इंटरचेंज हो सकते हैं, तो बी डॉट सी क्रॉस आर लिख दिया उसको, फिर आर क्या था हमारा ए क्रॉस डी वो लिख दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया सी डॉट डी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए डी वेक्टर, फिर बी डॉट ए सी डॉट डी माइनस ए डॉट सी बी डॉट डी ये लिख दिया। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दूंगा, ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गई ए डॉट बी सी डॉट डी माइनस ए डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड टर्म की कैसे आएगी, ए की जगह बी और बी की जगह सी, तो बी डॉट सी ए डॉट डी माइनस बी डॉट ए सी डॉट डी, ठीक है, प्लस सी डॉट ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास बी डॉट डी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डॉट बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट डी, ठीक है। अब आप टर्म्स को देखो थोड़ा ध्यान से, अब ए डॉट डी वाली टर्म देखो, ए डॉट डी वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म है, तो ए डॉट डी वाली टर्म इसे कैंसिल हो रही है, कैसे, ए डॉट डी भी सेम आ रहा है, बी डॉट सी और सी डॉट बी सेम होते हैं, ये प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, सी डॉट डी वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बी डॉट डी वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपका सिंप्लीफाई होकर आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, जिसको भी क्लियर हो गया वो पेंगुइन बना दो, ये ऑल क्लियर लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये था कि आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी थी, तो एक तो फॉर्मूला आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, डॉट और क्रॉस स्केलर टेबल प्रोडक्ट में इंटरचेंज हो सकते हैं, हर जगह इंटरचेंज नहीं होंगे, जो एच टी पी था स्केलर टेबल प्रोडक्ट जो हमने कल पढ़ा था उसी में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 43 पे, 43 में क्या है, ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, then value of a plus b cross a plus c cross b cross c dot b plus c, यही कई प्रॉब्लम है, करो एक बार ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, वैसे सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ये देखना है किसका क्रॉस कैसे लेना है, फिर सिंपलीफाई करना है, फॉर्मूले लगाने हैं, आंसर आ जाएगा। करो करो सब लोग ट्राई करो इसको,
जैसे ए प्लस बी एक वेक्टर है, ए प्लस सी भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। ये पूरा एक वेक्टर आएगा, देखो जो ये वाली पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म एक वेक्टर आएगी, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस वेक्टर के साथ लेंगे तो वेक्टर आएगा। हाँ, जीरो आता है इसका आंसर, वैभव का आ गया। अब बी क्रॉस सी जो है, ये भी एक वेक्टर आएगा, ठीक है, और ये भी एक वेक्टर आएगा, बी प्लस सी। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, अल्फा क्रॉस बीटा डॉट गामा, ऐसा कुछ टर्म बन रहा है, ठीक है। इन तीनों टर्म को जहां पे मैंने लाइंस खींची हैं, तो अल्फा क्रॉस बीटा डॉट गामा बन रहा है। तो ये वैसा बन रहा है कि स्केलर टेपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, अल्फा क्रॉस बीटा डॉट गामा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अंडरस्टूड है इसमें अल्फा क्रॉस बीटा लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड है, पहले क्या करेंगे, अल्फा क्रॉस बीटा लेंगे। तो पहले आप अल्फा क्रॉस बीटा लो, फिर उसका डॉट गामा के साथ लेना है। तो अब वही करते हैं, तो पहले ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसका क्रॉस इसके साथ लेंगे, फिर लास्ट में डॉट लेना पड़ेगा। अगर आपने पहले डॉट ले लिया ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने पहले डॉट लेके आंसर जीरो निकाला तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा बना लिया हो, बी क्रॉस सी डॉट बी करके बी सी बी हो जाएगा, और बी क्रॉस सी डॉट सी करके बी सी सी हो जाएगा, वो दोनों जीरो करके पूरा टर्म जीरो कर दिया, वो ही नहीं पाएगा, वो तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हुआ है, तो पता है कि ए क्रॉस बी पहले कैरी आउट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में आपको पहले ये निकालना है, ये टर्म निकालना है। जब तक ये टर्म नहीं निकालोगे, तब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका यूज होगा, ये जो कंडीशन दी हुई है इसका यूज होगा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो अब करते हैं, तो ए प्लस बी का क्रॉस ए प्लस सी के साथ लो पहले। तो आपका टर्म क्या बनेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। इसका क्रॉस मेरे को बी क्रॉस सी के साथ लेना है, और लास्ट में डॉट आ जाएगा बी प्लस सी। तो अच्छा, अब ए क्रॉस ए जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, ए क्रॉस ए जीरो, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, ये तो एज इट इज पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास बनेगी ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस सी, ये तो ऐसे बचा रहेगा। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस सी, इसका क्रॉस, इसको अभी आर वेक्टर मान लेते हैं, बी क्रॉस सी को हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर। तो ए क्रॉस सी क्रॉस आर प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस आर, ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी को आर माना हुआ है, तो आर क्रॉस आर तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, डॉट बी प्लस सी के साथ। अब आगे देखते हैं, अब ये फॉर्मूला लगाना आता है आपको, ए क्रॉस सी क्रॉस आर, इसमें क्या होता है, सिंगल वेक्टर से दूर वाले वेक्टर पे जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर डॉट ए सी वेक्टर माइनस आर डॉट सी ए वेक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डॉट बी ए वेक्टर माइनस आर डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है, इसका डॉट फिर मेरे को चाहिए बी प्लस सी के साथ, ठीक है जी। अब आर आपका क्या था, बी क्रॉस सी, तो ये टर्म आपकी बन रही है बी क्रॉस सी डॉट ए, तो बी सी ए सी वेक्टर माइनस बी सी सी ए वेक्टर, ये जीरो हो जाएगा, बी सी बी ये भी जीरो हो जाएगा, बी सी ए, तो ये आ जाएगा माइनस बी सी ए बी वेक्टर, ठीक है, डॉट आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी। तो अब बी सी ए, बी सी ए सेम एज ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में है, क्योंकि आपको पता भी है, कल भी बताया था, डिटरमिनेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये बन जाएगा ए बी सी कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ पे बच जाएगा सी माइनस बी, और इसका डॉट बच जाएगा सी प्लस बी के साथ। अब ए बी सी तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रहेगी, अब इन दोनों के बीच में डॉट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी सी मॉड सी स्केयर माइनस मॉड बी स्केयर, ठीक है, क्योंकि सी डॉट बी, सी माइनस बी डॉट सी प्लस बी किसके बराबर होता है, मॉड मॉड सी का होल स्केयर माइनस मॉड बी का होल स्केयर। अब ये गिवन है कि मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, यहाँ पे गिवन है, बिकॉज मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, तो ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू जीरो, स्केलर इंटू जीरो इज जीरो ऑनली, इसीलिए इसका आंसर जीरो आएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट लिखो फिर, ये क्वेश्चन हो गया होगा मेरे ख्याल से, जिसको नहीं समझ आया वो एक बार और इसको पढ़ना,
आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 44, प्रॉब्लम 44 है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये सिंपलीफाई होके लैम्डा बी माइनस म्यू ए बन रहा है। ठीक है, तो हमें लैम्डा कॉमन निकालना है। निकालो एक बार, जिसका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। हाँ एकदम सही है। देखो आप क्या करो, आपको ए और बी वेक्टर चाहिए ना, तो आप क्या करो, इसको इसको आर मानो, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको ए क्रॉस बी क्रॉस आर मान ही सकते हैं ना, क्योंकि सी क्रॉस डी एक वेक्टर ही तो है, तो इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, तो आर वेक्टर हमारा हमने एज्यूम कर लिया सी क्रॉस डी। अब फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या बनेगा ये, आर डॉट ए बी वेक्टर माइनस आर डॉट बी ए वेक्टर। ठीक है, आर डॉट ए बी वेक्टर माइनस आर डॉट बी ए वेक्टर। अब आर क्या है मेरे पास, आर इज सी क्रॉस डी, तो ये बन जाएगा सी क्रॉस डी डॉट ए बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस डी डॉट बी ए वेक्टर। तो ये बताइए, तो हमारा वो स्केलेटेबल प्रोडक्ट बन गया, तो ये सी डी ए बन गया, सी डी ए बी वेक्टर माइनस सी डी बी ए वेक्टर। ठीक है, अब ये इसको ए सी डी भी लिख सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा ए सी डी बी वेक्टर माइनस, इसको भी बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में, बी सी डी ए वेक्टर। आगे बात समझ में, तो लैम्डा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बी था ना, हाँ, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा ए सी डी, और म्यू किसके बराबर आ जाएगा, बी सी डी। समझ आ गया, हाँ, सी डी ए और सी डी बी भी बोल सकते हो, स्केलेटेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस। यहां तक जिस चीज को क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो और इमोजी बना दो एक बार, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 45 पे। प्रॉब्लम 45 वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर
3i+2j+6k एंड इज कोप्लेनर, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एंड इज कोप्लेनर विद वेक्टर टू आई प्लस जे प्लस के एंड आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो एक वेक्टर निकालना है विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर दिस एंड इज कोप्लेनर विद दिस एंड दिस। तो देखो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, बताता हूँ आपको। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी, और मैं बोलता हूँ ये वाले वेक्टर का क्या मतलब, ये वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये पता है ये लैम्डा बी प्लस म्यू सी वाले फॉर्मेट में आता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है। तो ये वेक्टर किसके प्लेन में आता है, बी और सी के प्लेन में आता है, और ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है, दो के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि अगर हम बोलते हैं अल्फा क्रॉस बीटा तो ये वाला जो वेक्टर आता है ये अल्फा और बीटा दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो ये जो वेक्टर है ये किसके प्लेन में, दिस इज कोप्लेनर विद, दिस इज कोप्लेनर विद, क्योंकि बी और सी के आउटपुट इसकी बी और सी वाले फॉर्मेट में आती है, तो लैम्डा बी प्लस म्यू सी वाले फॉर्मेट में आती है, तो कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड सी एंड ऑर्थोगोनल टू ए, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने यही पूछा हुआ है, एक वेक्टर बताओ जो कि ऑर्थोगोनल है, किस वेक्टर के, ये 3i+2j+, इसको ए मान लो पहले, तो 3i+2j+6k, ठीक है जी, एंड इज कोप्लेनर विद बी एंड सी, तो बी को मान लो 2i+j+k एंड सी को मान लो i-j+k। तो आपको जो वेक्टर चाहिए वो कौन किसके प्लेन में चाहिए, बी और सी के प्लेन में चाहिए, और ए के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमें ये निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये आ जाएगा 3i+2j+6k क्रॉस 2i+j+k क्रॉस i-j+k, ठीक है, 3i+2j+6k क्रॉस, ऐसे ही हो गया ना, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया और इन दोनों के प्लेन में आएगा, 3i+2j+6k क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये निकालोगे कैसे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है तो वो एक वेक्टर आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लेना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, देखो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, ये मैं सिंपलीफाई पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे फिर उसका क्रॉस ए के साथ ले लेंगे, आप वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो भी सही है, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, तो इससे भी कर सकते हो, चलो इससे कर देते हैं, ए डॉट सी निकालेंगे तो कितना आएगा, ए डॉट सी निकालोगे तो थ्री डॉट लेना इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो 3-2+6 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर इज 2 1 1, माइनस ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालोगे तो ये आ जाएगा 6+2+6 सी वेक्टर विच इज 1-1 1, तो ये बन रहा है 9-2 7 टाइम्स ऑफ 2 1 1, माइनस ये बन रहा है 14 टाइम्स ऑफ 1-1 1, तो अब कैसा आ जाएगा 14 7 7 माइनस ये आ जाएगा 14-14 14, ठीक है, तो 14-14 कितना हो जाएगा 0 i कैप, 7+14 हो जाएगा 21 j कैप, 7-14 हो जाएगा -7 k कैप, तो ये आपका आउटपुट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, हो गया, फॉर्मूले से बहुत सिंपल हो गया, सबको समझ आ गई वाली बात, ठीक है, मेरे को लगता है समझ आ गया होगा, इजी सा था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये निकालो एक बार, i क्रॉस a क्रॉस i, i कैप है ठीक है, प्लस j कैप क्रॉस a क्रॉस j प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के,
इसकी वैल्यू निकालो जल्दी से। हाँ निकालो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो। फॉर्मूला लगाना है इसमें, देखो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ये बनेगा आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई कैप, ये आ जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए, ऐसे करते हैं ना, जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए जे कैप, ठीक है, प्लस के डॉट के ए वेक्टर माइनस के डॉट ए के डॉट ए के कैप, ठीक है। अच्छा, अब आई डॉट आई तो अपना वन हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी ए ए ए, तो ये बन गया थ्री ए वेक्टर माइनस ए डॉट आई, क्या होगा, मान लो ए वेक्टर है आपके पास ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, मान लो ये वेक्टर है आपका लेट, ठीक है। तो ए डॉट आई किसके बराबर होगा, ए डॉट आई आपका ए वन के बराबर होगा, तो ये वाली टर्म जो है ये आपकी बन जाएगी ए वन आई कैप माइनस ए टू जे कैप माइनस ए थ्री के कैप, तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा थ्री ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमारा आंसर आ जाएगा टू ए वेक्टर। समझ आ गया, देखो पूरी चीजें फॉर्मूले पर हैं, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो बहुत ईजिली हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। सबको समझ आ गया ये भी, अभी एक और क्वेश्चन करो। इसमें है हमारे पास डी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, चलो ऐसा लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है आपको, करो सब लोग। फॉर्मूले लगाने बस इसमें, पहले अंदर से चलो ये बी क्रॉस सी क्रॉस डी सॉल्व करो, फिर ए के साथ क्रॉस लो, फिर डी प्लस ए के साथ डॉट लो।
कर रहे हो ट्राई कि नहीं कर रहे हो? बी डॉट डी ए सी डी, हाँ यही आता है इसका। बी डॉट डी पे डॉट होगा, उस पे ना ब्रैकेट आएगी। बाकी किसी का आंसर आया? देखो देखो, फॉर्मूला ही लगाना है आपको। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको उठाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा डी प्लस ए डॉट। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस, अब इसका क्या फॉर्मूला है, बी बी से डी पर जाना है। सुनो भाई सब लोग, बी डॉट डी सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी डी वेक्टर, ऐसे करते हैं ना। पहले बी से डी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ। तो बी डॉट डी जो बचा हुआ वेक्टर है वो लिख दो, बी डॉट डी सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी डी वेक्टर। ये टम आ गया अब हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डी प्लस ए का डॉट, अब ए का क्रॉस सी के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी डॉट डी ए क्रॉस सी। इसमें क्रॉस में आप उल्टा नहीं कर सकते हो, ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। माइनस बी डॉट सी, यहाँ पे टम आ जाएगी ए क्रॉस डी। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब एक एक करके इंडिविजुअल टर्म बन जाएगी, तो ये बन जाएगा बी डॉट डी, ठीक है? फिर साथ में क्या आ जाएगा, इन दोनों का डॉट होगा, अब डी प्लस ए का डॉट इसके साथ, तो ये टर्म आ जाएगी डी प्लस ए डॉट ए क्रॉस सी। माइनस ऐसे नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी डॉट सी, फिर डी प्लस ए का डॉट ए क्रॉस डी। देखो एक चीज समझो, बी डॉट सी तो अब स्केलर हो गया ना, तो वो तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में ये डॉट और क्रॉस बचा हुआ है, अब ये बन जाएगा बी डॉट डी। अब डी का डॉट ए क्रॉस सी के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी ए सी बन जाएगा। डी ए सी, डी डॉट ए क्रॉस सी इज डी ए सी, स्केलेटेबल प्रोडक्ट हो गया वो, ठीक है? प्लस ए का ए का डॉट ए क्रॉस सी के साथ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। माइनस बी डॉट सी, डी का क्रॉस ए क्रॉस डी का डॉट ए क्रॉस सी के साथ जाएगा तो डी ए डी बनेगा, वो भी जीरो हो जाएगा। प्लस ए ए डी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? जिसको ये नहीं पता उसको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। तो अब ये टर्म आ जाएगी बी डॉट डी इंटू डी ए सी, तो ये इसका आंसर हो गया। ए सी डी भी लिख सकते हो इसको आप साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है? तो ये हमारा हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है? तो यहाँ पे वेक्टर डबल प्रोडक्ट भी खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो इमोजी बना दो, जिसको नहीं समझ आया वो बताओ, ऑल क्लियर कर दो एक बार चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो गया। देखो जिनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ तो यही है कि वो रेगुलर नहीं होंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, ऐसे टॉपिक छूटते रहेंगे, फिर टॉपिक वीक हो जाएंगे, फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो रेगुलर रहो क्लास में, नहीं तो नुकसान होगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ रहे हैं सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, अब आपने जैसे पूरे चैप्टर में क्या चार जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ ली, वो क्या क्या हैं? एक तो भाई आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया,
क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, फिर स्केलेटेबल प्रोडक्ट पढ़ लिया, फिर वेक्टरटेबल प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब इसकी हेल्प से आप चार वेक्टर का प्रोडक्ट हो चाहे पांच वेक्टर का प्रोडक्ट हो, आप किसी भी तरीके का निकाल सकते हो। बस ये बताओ कि भाई कौन सा टर्म आपको पहले कैरी आउट करना है, ताकि ओवरऑल जो टर्म है उसका प्रोडक्ट भी एक वेक्टर निकल कर आए या स्केलर निकल कर आए, डिपेंडिंग अपॉन जो भी इस क्वेश्चन में वो बता रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, तो इसका तो आउटपुट पक्का से स्केलर ही तो आएगा, इसका स्केलर ही आउटपुट आना है। कुछ भी करते रहो, फाइनल आउटपुट इसका स्केलर आना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर का एंड में तो डॉट हो ही गया ना। ठीक है, तो ये चीजों अगर आपको ध्यान में है, तो आप चाहे चार वेक्टर का प्रोडक्ट आ जाए चाहे पांच का आ जाए, डॉट और क्रॉस के साथ आप इजीली कर लेंगे। अब वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है कि आपको ना एक इक्वेशन दे देगा वो, और उसमें नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, और दूसरा आप ये क्रॉस और डॉट ले सकते हो जो आपने पढ़ा है, और उसकी हेल्प से जो भी अननोन वेक्टर होगा वो निकालना होगा। तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, कुछ तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे अभी तक क्वेश्चन हो गया 47, 48 क्वेश्चन देखो। प्रॉब्लम 48 इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, इफ ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो एंड आर डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, फाइंड आर वेक्टर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आर वेक्टर हमारा अननोन है, और ए बी सी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है, आप बस इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ठीक है, इसको करने के तरीके हैं, तो दो तरीके तो हैं ही शायद, तो अभी देखते हैं एक बार, एक एक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जो हम तरीका फॉलो करते हैं उसमें हम ये ध्यान रखते हैं, जो हम फॉलो करेंगे ज्यादातर क्वेश्चन में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है, और ज्यादातर क्वेश्चन जैसे 3D वेक्टर के होते हैं, तो आप जैसे ए और बी वेक्टर अगर हमें गिवन है, तो हमारे जो या ए बी और सी गिवन है, तो वो तीनों क्या होंगे ना, नॉन कोप्लेनर जैसे वेक्टर होंगे, अंटिल अनलेस कुछ वो स्पेसिफाई करता है, तो हमारा आंसर ऐसा आएगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी। अगर दो वेक्टर है तो हमारा आंसर आएगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी। ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अगर 2D वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखना है, 3D वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखना है, ये सब आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने इसको लिख दिया सबसे पहले आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, ये समझ आ गया होगा। इसको मैंने पहले इस वाली इक्वेशन को लिखा आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी को उधर ले गया। ठीक है, अब मेरे पास एक टर्म है आर डॉट ए, तो मैं क्या करूंगा, इसी का जो प्रोडक्ट है वो दोनों तरफ क्रॉस ले लूंगा ए के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और वो भी बैक साइड से। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें अब ए डॉट आर वाली टर्म बन जाएगी, मुझे ये पता था कि अगर इसका मतलब, कोशिश हम यही करते हैं सबसे पहले वेक्टर टेबल प्रोडक्ट लो। ठीक है, क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस में वेक्टर टेबल प्रोडक्ट लो, तो उससे आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जैसे मुझे पता था आर डॉट ए वाली टर्म है, इसलिए मैंने क्रॉस ए के साथ लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनेगा, उसमें बनेगा ए डॉट आर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी आर वेक्टर इजिकल टू ये वाली टर्म बन जाएगी ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, बस ये बन गया। अब ए डॉट आर उसका गिवन है कि ये जीरो का, तो ये जो टर्म हट गई, तो आपका आर वेक्टर इसी लाइन में आ गया। देखो क्या आ गया, ए डॉट बी आर वेक्टर नेगेटिव उधर भेजो पहले, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी बी वेक्टर। अब ए डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट है, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यहाँ सी वेक्टर आ जाएगा माइनस ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी बी वेक्टर, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गई बात, कैसे किया? क्या किया हमने, पहले क्रॉस दो इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई किया, उसका क्रॉस ए के साथ ले लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस ए लेने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है आर वेक्टर सी और बी की टर्म्स में आ रहा है। अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका
हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ए कंडीशन ही गिवन थी, और आर डॉट ए इक्वल टू जीरो, ए कंडीशन ही गिवन थी। अब इस एक्सप्रेशन से कंक्लूजन आ जा रहा है, क्या कंक्लूजन आ रहा है, आर माइनस सी, अगर आर माइनस सी का क्रॉस बी के साथ जीरो हो रहा है, इसका मतलब आर माइनस सी जो होगा वो लैम्डा बी के बराबर होगा, मतलब आर माइनस सी और बी पैरेलल होंगे, तभी तो उन दोनों का क्रॉस जीरो आ रहा है, समझते हो। आर माइनस सी और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उसको मैंने लिख दिया लैम्डा बी। तो आर वेक्टर मेरा किसके बराबर आ जाएगा, सी प्लस लैम्डा बी। अब आपको लैम्डा निकालना है, ये कंडीशन दी हुई है, इसका डॉट ए के साथ ले लो, आर डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए प्लस लैम्डा बी डॉट ए। तो आर डॉट ए जीरो है, तो लैम्डा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट ए, ठीक है। लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट ए, क्योंकि आर डॉट ए जीरो है। तो हमारा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा आर वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ आया नहीं समझ आया, दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं। देखो किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ आया वेक्टर इक्वेशन कैसे सॉल्व करिए वाली। तो वेक्टर इक्वेशन का मतलब यही है कि आपको सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है, वेक्टर जैसे इसमें आर वेक्टर निकालना, तो हमने आर वेक्टर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। ऑल क्लियर कर दो जिसको भी समझ आ गया, तो मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जिसका आपको यूज करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस। यूज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन यूज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो वही जो भी स्टार्टिंग में आपको समझ आ रहा हो उसको यूज करो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लो कुछ भी उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कंसीडर आर वेक्टर एस, जो भी अननोन वेक्टर है, एस 3D वेक्टर। तो अगर आपको लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी कंसीडर कर सकते हो, अगर गिवन है ए बी सी आर, जो भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, समझ आ गया। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, या तो वेक्टर ट्रिपल, सबसे पहले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो आप हमेशा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले बनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये डॉट रिक्वायर्ड है, तो वो कैलकुलेशंस करके फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही ज्यादा बनाएंगे, अभी हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बना के जो भी अननोन वेक्टर्स हैं उनको निकालने की कोशिश करनी है। अननोन जो वेक्टर है वो हमेशा जो नोन वेक्टर्स होंगे उसके फॉर्म में आएंगे, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एबीसी पता था, तो आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एबीसी आया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम 48, प्रॉब्लम 49, ठीक है। तो ये एक बार खुद से ट्राई करो, तो इजी सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई, ये एक्स क्रॉस वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू बी वेक्टर, और एक्स डॉट ए इज इक्वल टू वन। सो हमें क्या करना है, फाइंड
एक्स वेक्टर कॉमा वाई वेक्टर। करो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ए प्लस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड स्क्वायर। हाँ सही आता है इसका आंसर। सही है वैभव, ये वाला आंसर तो सही है। बाकी लोग देखो एक बार। चलो देखो क्या करना है इसमें। जैसे मैंने बताया, एक तो ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं और अननोन वेक्टर आपके पास एक्स और वाई हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे एक्स डॉट ए है ना, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा एक्स डॉट ए से कि एक्स क्रॉस वाई इसका क्रॉस ए के साथ ले लो, यही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये बी क्रॉस ए देगा। और अगर अननोन वेक्टर होते हैं ना, तो हमारे को ये तीनों वेक्टर, हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आता है, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी, इसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा ए डॉट कैपिटल एक्स वाई वेक्टर माइनस ए डॉट वाई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, ये बी क्रॉस ही आ जाएगा। ठीक है, अब ए डॉट एक्स आपको दिया हुआ है वन के बराबर, देखो ना यहाँ गिवन है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी वाई वेक्टर माइनस ए डॉट वाई हमें नहीं पता है तो वो हम निकालेंगे अभी, तो इसको लिख लेते हैं ए डॉट वाई वेक्टर और ये एक्स वेक्टर हो गया और यहाँ पे आ गया बी क्रॉस ए। ठीक है जी। तो
अब ए डॉट वाई का रिक्वायरमेंट है, तो ए डॉट वाई का रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इसी का डॉट ए के साथ ले लो, तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई इज इक्वल टू ए डॉट ए विच इज मॉड ए स्क्वायर, समझ आ गया, इसी का डॉट ए के साथ ले लो, तो ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट एक्स हमारा किसके बराबर है, वन के बराबर है, तो ए डॉट वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये डम आ गई। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन बन गई, ये वाली जो है ये क्वेश्चन बन जाएगी, वाई वेक्टर माइनस मॉड ए स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक तो ये टर्म बन गई, और एक टर्म है हमारे पास वाई एक्स प्लस वाई, तो उसको वाई प्लस एक्स लिख लेते हैं, तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर है। अब ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों की हेल्प से एक्स और वाई निकल जाएंगे, कैसे, आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो इन दोनों को, तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस ऑफ मॉड ए स्क्वेयर प्लस वन माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए माइनस ए, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वेयर एक्स वेक्टर, नेगेटिव उधर भेजोगे तो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए, ठीक है, तो एक्स वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, ये आपका एक्स वेक्टर हो गया, ठीक है। अब जो वाई वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, देख रहे हो, क्योंकि वाई प्लस एक्स ए वेक्टर के बराबर है, तो ये टर्म आ जाएगी ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, इसको प्लस बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए का होल स्क्वेयर, तो ये हमारा वाई वेक्टर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, वैभव का सही आंसर। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे किया, ऑल क्लियर करो एक बार, क्या किया था हमने, देखो सबसे पहले मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही बनाया, क्योंकि मेरे को पता था एक्स डॉट ए है तो, और यहाँ पे भी ए क्रॉस बी आना चाहिए आंसर में भी, एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी तो आएंगी, तो हमने एक्स क्रॉस वाई क्रॉस ए ले लिया उसका, फिर उसमें यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर क्रॉस ए प्लस के आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, वेयर ए कॉमा बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड के बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड आर वेक्टर, ये करो एक बार। क्वेश्चन लिख लो एक बार, आर क्रॉस ए प्लस के आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, वेयर ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, फाइंड आर वेक्टर।
मैं जिनके नाम ले रहा हूँ उनमें से जो प्रेजेंट है वो यस लिखो चैट बॉक्स में। विद्यासागर, विवेक, कपिल चौहान, शैली, रवीना, जय चौधरी, रागिनी, इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस लिखो। बाकी बच्चे क्वेश्चन करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। लखपत जी, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको ना करता हूँ कॉल 11:30-12 बजे तक। कोई वो आप इधर दे दो, मैं इसमें दे दो, मैं अभी तो क्लास में हूँ ना, मैं ले लूंगा वहां से। तो इधर गेट पे दे दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में क्या, चलो मैं करता हूँ। इसमें क्या, आर क्रॉस ए प्लस के आर इज इक्वल टू बी है, वेयर ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड आर वेक्टर है हमारे पास ना। तो अब इसमें क्या है, देखो अब आर क्रॉस, अब इसमें क्या ना, आपको आर निकालना है और हमें जो वैल्यूज पता है वो है ए, बी और के, बस ये तीन वैल्यूज पता है। ठीक है, तो हम किसी तरीके से इन्हीं को यूज करेंगे। तो मैंने ऐसे लिखा आर क्रॉस ए, इसका क्रॉस ना ए के साथ लो सबसे पहले, क्योंकि देखो आपके आंसर में ए भी आएगा, बी भी आएगा और ए क्रॉस बी भी आएगा, तो सबसे पहले ए के साथ क्रॉस लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से क्रॉस ए के साथ ले लो। तो इसके बाद देखेंगे क्या बात बन रही है। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, ए डॉट आर ए वेक्टर, इसका उसके साथ डॉट लिए ना, ए डॉट आर ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए आर वेक्टर। ठीक है, ये टर्म आ गई, प्लस के टाइम्स ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। बात समझ आ गई, ए डॉट आर ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए आर वेक्टर। तो ये टर्म आ गया हमारे पास। अच्छा, आप देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है यहाँ पे। ए डॉट ए तो पता चल गया। ठीक है, देखो ये ए डॉट आर जो है ना, ये गड़बड़ करेगा, क्योंकि ना जो अननोन वेरिएबल होता है वो ऐसे किसी के साथ ऐसे ए डॉट आर आ जाएगा, इसको अगर आप नहीं हटा पाए ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको इसको हटाना है, क्योंकि अननोन वेरिएबल है ना इसमें आर, ए के साथ अननोन वेरिएबल है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते आप इसको उधर ले गए। ठीक है जी, तो ये तो हमारे लिए गड़बड़ कर रहा है। तो सबसे पहले ए डॉट आर ही निकालेंगे हम, तो हम ए डॉट आर निकालते हैं। तो ए डॉट आर निकालने के लिए एक ही एक्सप्रेशन है, इसी का डॉट आप क्या करो ए के साथ ले लो। तो हमारे पास आ गया आर क्रॉस ए प्लस के आर इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसका डॉट ए के साथ लेना है, तो इसका डॉट ए के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आर ए ए बन जाएगा विच इज जीरो, प्लस के आर डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो समझ आ गया, आर ए जीरो हो गया, तो आर डॉट ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय के। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब आर डॉट ए आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई के, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, आर डॉट ए आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाई के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वेयर आर वेक्टर, ये टर्म आ गई। ठीक है जी, प्लस अच्छा के आर क्रॉस ए अभी और बचा हुआ है, ये भी अननोन वेरिएबल है ना इसमें आर, तो के आर क्रॉस ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आ जाएगी ना आर क्रॉस ए की वैल्यू। आर क्रॉस ए की वैल्यू किसके बराबर है, आर क्रॉस ए की वैल्यू है बी माइनस के आर, तो इसको लिख देते हैं बी माइनस के आर वेक्टर। समझ गया ना, देखो आर क्रॉस ए की वैल्यू इस पेरेंट इक्वेशन से आ रही है बी माइनस के आर वेक्टर, तो आर क्रॉस ए इज बी माइनस के आर वेक्टर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी बी क्रॉस ए। ठीक है जी, अब हो गया खत्म क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो आर वेक्टर आ गया हमारे पास 11 माइनस मॉड ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो माइनस मॉड ए स्केयर
प्लस के स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए माइनस के बी वेक्टर। ये वाली टर्म को मैं उधर ले गया, ये वाली टर्म को इधर लेके जाऊंगा, माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ के टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब नेगेटिव उधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, नेगेटिव उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ये बन जाएगा के बी वेक्टर। ठीक है, प्लस ए डॉट बी बाय के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस के बी वेक्टर प्लस ए डॉट बी बाय के ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ठीक है, देख लो भाई, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, अगर ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या आप लोगों को? जिसको भी समझ आया ऑल क्लियर कर दो एक बार। अब मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट कितना हो गया वेक्टर का, चैट बॉक्स में लिखो सब लोग, वेक्टर का असाइनमेंट कितना कर लिया आप लोगों ने? अभी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, एक टॉपिक बचा है बस इसमें। तो जिसने जो जो किया है असाइनमेंट में वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताया कि मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। 200 कर लिए हैं सागर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे जो भी आपके डाउट है ना क्वेश्चन में, तो वो आप क्वेश्चन का नंबर लिख के मुझे टीम पे भेज दो, चैट बॉक्स में भेज दो या व्हाट्सएप पे भेज दो। देखो बेटा, जो मेहनत नहीं करेगा ना उसको तो बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसा होता है कि बाद में पढ़ाए नहीं जाते ना, तो अभी मेहनत कर लो ना, अभी मेहनत कर लोगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी मैथ्स तुम्हारी। और बाकी लोगों ने, ये चार बच्चों ने बताया बस मुझे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, आज तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं, अब कल लूंगा मैं क्लास ना, आज तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्लास, कुछ काम है मुझे। ये सब झूठ तो नहीं बोले जा रहे हैं, 120 130 क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए हैं, सच बताओ भाई। बेटा सब लोग मेहनत, देखो आप देखो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे स्कूल का ना, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग भी इतनी मेहनत करते हो, तो अभी से करो ना यार, अब गिव अप मत करो, अब अगले साल भी फिर हम फोड़ा फाड़ी मचा देंगे, तो आप लोग लगे रहो अभी से ना। तो अब और हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरा टाइम पढ़ाई करो, बस अपना शेड्यूल बना लो, 1-5 घंटे का शेड्यूल तो रोज का रखो, उतने में आपका काम कवर अप होता रहेगा। 2-2 घंटे अगर निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया, बाकी 6 आवर्स बन जाएंगे, बाकी टाइम खेलो मस्ती करो जो करना करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो।
बट अपने 2 2 आवर्स तो रोज के निकालो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, बहुत पाइल अप हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इसीलिए रेगुलर अपने होमवर्क को करो, और आप मॉड्यूल भी करना है इसके बाद आपको, फिर टेस्ट भी होगा नेक्स्ट सैटरडे। जो टेस्ट है उसमें वेक्टर अगर मान लो 3D हो जाता है तो हम 3D भी रखेंगे उसमें। अभी तो हम कोशिश करेंगे, अब आज इवनिंग की तो क्लास नहीं है, आप जब भी मैं इवनिंग की क्लास लेता हूँ ना उसको अटेंड किया करो, क्योंकि कल मैंने अब आगे पढ़ा दिया। अब जिन बच्चों ने अटेंड नहीं की होगी वो या तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना आप लोग को, आपको समझ नहीं आएगा। तो अब जब मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहा हूँ तो प्लीज उसको अटेंड करो। कल अब हम इवनिंग में एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, क्योंकि सुबह आज मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा लेट ही वापस आ पाऊंगा, तो कल सुबह का, तो कल सुबह ही मतलब शायद 10 11 बजे तक वापस आ पाऊँ। तो आप मुझे ये बताओ कि 2 बजे के बाद कब लेक्चर लेना है, टाइमिंग बता दो मुझे एक बार, कल का, सैटरडे का। सैटरडे सुबह हमारा लेक्चर होता है ना, वो सुबह नहीं होगा तो मैं उसको मतलब दोपहर के टाइम पे रखूंगा। तो आप लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दो कौन सा आपके लिए फिजिबल टाइम है। 2:30 बजे कह रहा है ये दिव्यांश जैन, बाकी और बच्चे बताओ 2:30 बजे ठीक है? 2:30 बजे ही क्लास में 15 20 बच्चे आते हैं, मतलब आप लोगों में एंतु है नहीं है, मेरे में ज्यादा एंतु है आपकी क्लास लेने का, आप में एंतु ही नहीं है। 5 to 7 बेटा मैं खेलने जाता हूँ, इवनिंग तो खेलने का टाइम होता है, इवनिंग 5 to 7 या तो 9 o'clock के बाद हो पाएगा। फिर अब दो पॉसिबिलिटी है, मैं ऑप्शन बताता हूँ, नहीं तो आप ऐसे अलग अलग टाइम बताते रहोगे। 4 हैं भाई, सुबह 4 बजे उठ के कहाँ जाएगा तू? हाँ, या तो हमारी पॉसिबिलिटी है 3 to 5 की। हाँ 3 to 5 ठीक है, 3 to मतलब 4:30, मेरे को 11th की भी लेनी होगी ना बेटा, तो उनकी शायद पहले ले लूंगा फिर मैं। तो या तो हम रखते हैं 4 to 5:30, 4 PM to 5:30 PM, एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, या फिर वो बनेगी 9 से 9 बजे के बाद। तो बता दो जल्दी से, 3 to 4:30 इज ओके? रात को 9 9 बजे ठीक है? जैसे एक टाइमिंग में बताया था आपको, दो टाइमिंग अभी बच्चे जो सजेस्ट कर रहे हैं, एक तो हो जाएगा 3 से 5 के बीच में, 3:30 to 5 ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब वो मैं उसमें डाल दूंगा, मतलब 3 3 मान लेते हैं, चलो एक पॉसिबिलिटी है 3 to 5 वाली ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है हमारी 9 to 9 PM है ये, ठीक है ये भी PM है। मोहम्मद भाई कैफ तो ये से सुबह मत उठ जियो 3 से 5, 9 to 10:30 टाइप रख लेंगे, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। तो लिख दो एक बार चैट बॉक्स में क्या चाहते हो आप। 2:30 PM भी, हाँ बहुत बच्चे कह रहे हैं, 3 to 5 ज्यादा बच्चे कह रहे हैं। एक्चुअली हाँ, यहाँ यस नो तो कर ही दोगे आप लोग, बट आते नहीं हो ना क्लास में, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। मैं अब आगे पढ़ा रहा होता हूँ फिर आप आते नहीं हो, ठीक है? अभी टेंटेटिवली टाइम हम ये रख रहे हैं, ज्यादा बच्चे इसी के लिए प्रेफर कर रहे हैं 3 to 5 ठीक है। तो अभी टेंटेटिव टाइम 3 to 4:30 या 3 to 5 या 2:30 ऑनवर्ड्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी नाइट फ्री हो जाए और आप मूवी वगैरह देख पाओ, जो काफी बच्चे यही सोच रहे होंगे मूवी देख लूंगा मैं सैटरडे को, ठीक है? तो 3 to 5 PM का टाइम रखते हैं, वो कैलेंडर में आपको टाइम मिल जाएगा और मैं एक बार ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है? कल मिलते हैं, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आपके पास होमवर्क है, वेक्टर के असाइनमेंट करो, जिससे हो रहे हैं वो अब जिसके हो गए हैं ना इतने सारे क्वेश्चन, 200 के आसपास पहुंच गया वो, अब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, उसको खत्म करने के बाद आपको मॉड्यूल करना है, वो मैंने फाइल्स में डाल दिया था कल ही, ठीक है? नहीं बेटा अभी सिंगेज वगैरह मत करो उसको ना, अभी आप रोक दो, क्योंकि ना आप लोग का ऐसा हो रहा है कि मतलब हम डाउट फिर डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना उसके अभी, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको करो अभी, मॉड्यूल करो सबसे पहले। तो अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट हल्की है तो आप मॉड्यूल करो, उसके बाद फिर सिंगेज कर सकते हो, बट पहले मॉड्यूल करो, क्योंकि फिर मॉड्यूल का डिस्कशन आ जाएगा, तब तक आपका मॉड्यूल नहीं हुआ होगा। तो सब लोगों को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सबसे पहले असाइनमेंट करो, अगर आपको लग रहा है असाइनमेंट हल्की है, क्योंकि असाइनमेंट में लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जो N2 वाले बच्चे हैं उनको तो असाइनमेंट करनी करनी है, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मैथ्स तभी इंप्रूव हो पाएगा, उनको ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत है, तो इसीलिए मैं वो असाइनमेंट बना रहा हूँ। बट ऐसा भी है असाइनमेंट में, जैसे आप 15 क्वेश्चन देखोगे उसके बाद 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं उसमें,
वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, और वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है तो वो करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल करना है, फिर अगर आप ये टाइमली आप खत्म कर ही नहीं पाओगे। अगर आप टाइमली खत्म कर लेते हो, मान लो आप बहुत तेजी से कर रहे हो, सारी चीजें छोड़ छाड़ के लगे हुए हो, तब फिर आपको इसके बाद सिंगेज करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंगेज करनी है, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर रखते हैं। चलो कल मिलते हैं, आज शाम को क्लास नहीं, आप होपफुली होमवर्क करेंगे, और सब लोग अपना टाइम एकदम 2-3 घंटे तो रोज मैथ्स को दें, बाकी टाइम जो भी अपना फ्री टाइम भी रखें और उसमें एंजॉय करें। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, कल मिलते हैं। कैलेंडर से ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दूंगा।